हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज भी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के आंसर को देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सन 2019 के अंतर्गत सेट नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट पोस्ट की जानकारी भी वहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन सन 2019 के अंतर्गत सेट नंबर 4 का जो कोड है DG, उसी का हम लोग आंसर देखेंगे। तो सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे। जैसा कि सेक्शन बी के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ABCD करके इस तरह से चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वो नरेशन से रिलेटेड होता है, बी वाला क्वेश्चन आपका सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, और सी वाला आपका ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, और डी वाला आपका सिंटेक्स से रिलेटेड होता है। तो ए के अंतर्गत जो आपका नरेशन वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको दो डायरेक्ट नरेशन दिए जाते हैं और उनमें से केवल एक को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसे मेरे चैनल को विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं नरेशन में जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है वह क्या है। ही सेड टू द टीचर, ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा। ही सेड टू द टीचर, क्या कहा? सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो, सर श्रीमान विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं, अर्थात इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो डायरेक्ट नरेशन दिए जाते हैं जिसमें से केवल एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, इसके लिए आपको दो नंबर मिलते हैं। तो देख सकते हैं इसमें सर आ चुका है, श्रीमान आया है, इस वजह से रिस्पेक्ट दिया जाएगा, तो हमको इस तरह से इनडायरेक्ट बनाना होगा। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर। अब हमको एक कंजक्शन लिखना होगा, इफ या वेदर, तो इफ लिखते हैं इफ। अब देखिए हमको यू को चेंज करना होगा, तुम्हारा हो जाएगा ही, इफ ही, अब विल को चेंज करेंगे तो वुड, इफ ही वुड नॉट टीच, अब मी को चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा हिम, ही वुड नॉट टीच हिम, और टुमारो को चेंज कर देंगे तो द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं जो डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिया है, वह है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय। तो काफी ठंड है इस वजह से जल्दी से लिख नहीं पा रहे हैं और थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी खराब है। तो डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम है तो वीडियो आपको उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग इनडायरेक्टली चेंज करते हैं। देख सकते हैं यह इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसमें आप फॉर्मेट से बना सकते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। तो चलिए फॉर्मेट से चलते हैं, नहीं तो आप जैसा भाव आए एडवाइस का, अगर भाव आता है तो एडवाइस का, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल फॉर्मेट से बनाइए तो किसी तरह का सेंस का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो लिखना होगा द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय, इसके बाद डू नॉट को हटा दीजिए और वर्ब को इन्फिनिटिव बना दीजिए। फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब, अब मी को चेंज कर देंगे तो ओल्ड मैन के अनुसार तो हिम हो जाएगा, टू डिस्टर्ब हिम वाइल, जब, अब आई को चेंज करेंगे तो हमारा ही हो जाएगा, वाइल ही वाज वर्किंग। तो यह इस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, द ओल्ड मैन
सेड टू द बॉय यानी कि वृद्ध व्यक्ति ने लड़के से कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, व्हाइल आई एम वर्किंग, जब मैं कार्य कर रहा हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति ने लड़के को मना किया उसको डिस्टर्ब करने से जब वह कार्य कर रहा था। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन जो हमारा सिंथेसिस से है उसको। तो इस तरह से आपको यह करना था। आप लोग अगर और भी सेट 2019 के का जो और सेट पहला था, दूसरा था, तीसरा था, उनका आंसर चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके आप उन्हें गेट कर सकते हैं। मैंने उनको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को ही देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका हिंदी वाला पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। और ऐसे को भी तैयार कर लीजिएगा, मैंने ऐसे भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बी वाला क्वेश्चन जो कि हमारा सिंथेसिस से है। तो सिंथेसिस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, सिंथेसिस। तो इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से केवल एक का ही आपको आंसर देना होता है। तो सिंथेसिस में पहला जो क्वेश्चन है, द थीप वाज कॉट। देखिए काफ़ी ठंड है इसलिए उतना अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहे हैं, द थीप वाज कॉट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, द पुलिस रिटर्न्ड टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसको हमको किस में कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंस में, हमको इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो इस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप आसानी से सीख भी लेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है द थीप वाज कॉट, चोर को पकड़ लिया गया, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन अर्थात पुलिस स्टेशन को लौट आई। तो पुलिस हमारा हमेशा ही याद रखिएगा प्लूरल होता है। तो देख सकते एक वाक्य में रीजन है, दूसरे वाक्य में रिजल्ट है और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो हमको इस तरह से लिखना होगा, कर्ता को स्वतंत्र करना होगा, द थीप हैविंग बीन, क्योंकि हमारा ये जो रीजन वाला वाक्य है वो पैसिव वॉइस में है। तो द थीप हैविंग बीन कॉट। उसके बाद दूसरा वाक्य लिख देना है, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। तो इस तरह से हमारा यह सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी के अंतर्गत वह है, यू हैव पुट द अर्नामेंट समवेयर, तुमने रखा है द अर्नामेंट मतलब आभूषण, अर्नामेंट्स समवेयर कहीं पर, समवेयर, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, ठीक है। और इसको हमको किस में कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हमें कंबाइन करना है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हम कंबाइन करते हैं, यू हैव पुट द अर्नामेंट समवेयर, तुमने कहीं पर आभूषण को रखा है, प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ, यानी मुझे उस स्थान को दिखाओ जहां पर तुमने आभूषण को रखा है। तो कृपया मुझे उस स्थान को दिखाओ, प्लीज शो मी द प्लेस। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके प्लीज शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट द अर्नामेंट मतलब आभूषण, कृपया मुझे उस स्थान को दिखाओ जहां पर तुमने
आभूषण को रखा है, आभूषणों को रखा है। तो इस तरह से यह हो गया बी वाला। अब हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन भी कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी वाला क्वेश्चन, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से है। और इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से केवल एक का ही आपको आंसर देना होता है, और इसके लिए भी आपको दो नंबर मिलते हैं। इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल को। पहला है डिड द हंटर शूट द लायन, डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने शूट द लायन, क्या शिकारी ने शेर को गोली से मार दिया। और इसको हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर वॉइस के बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके इस टॉपिक पर वीडियो वॉच कर लीजिएगा। डिड द हंटर शूट द लायन, तो हमको भी बनाना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो लायन को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखना होगा वॉच द लायन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच द लायन शूट बाई द हंटर। तो यह हमारा हो गया आसानी से पैसिव वॉइस। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। तो दूसरा है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, ठीक है, बहुत कम ही खेल उतने लोकप्रिय हैं जितना कि क्रिकेट। इसको हमको क्या करना है, इसको हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो डिग्री के बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, कुछ ही खेल उतने लोकप्रिय हैं जितना कि क्रिकेट। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट जो है ज़्यादातर खेलों के अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो हमको क्रिकेट से स्टार्ट करना होगा, लिखना होगा क्रिकेट इज कंपैरेटिवली पॉपुलर का मोर पॉपुलर। अब एक कंपेरिजन करने वाला शब्द आ जाएगा दैन, इसके बाद मेनी अदर गेम्स। तो यह हमारा हो गया आसानी से हमारा यह कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डी वाला, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत डी वाला क्वेश्चन, जो कि सिंटेक्स का है, जिसमें हमें करेक्ट सेंटेंस करना होता है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो डी वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सिंटेक्स का है, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आपको चार सेंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें दो को आपको सही करना होता है। तो पहला है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। यह पहला सेंटेंस है, अर्थात ये समाचार मेरे मन की शांति को बाधित किए हैं। तो इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारा ये जो न्यूज है हमेशा सिंगुलर होता है, इस वजह से हमारा दीज नहीं दिस आएगा। तो यह हो जाएगा करेक्ट दिस न्यूज, और यह हमारा हैज हो जाएगा, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो यह हमारा आसानी से बन गया करेक्ट। इसके बाद दूसरा देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया है, इट इज आई हु
इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या मैं ही हूँ जो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, तो इसको भी करेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं इट इज आई, आई हु, देखिए हमारा यह रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आई है, तो उसी के अनुसार, यानी अगर जैसा यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आई के अनुसार इज नहीं बल्कि एम आएगा, तो इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो यह हमारा इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस, तो जो तीसरा सेंटेंस है वह है बीइंग अ कोल्ड नाइट, इसके बाद है आई स्टेड इन माई हाउस, आई स्टेड में ठहरा इन माई हाउस, तो इसमें हमको देखिए कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कर्ता इट को स्वतंत्र करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मेथड लगाकर, तो हमारा हो जाएगा इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, तो यह हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं जो चौथा है, जल्दी से मेरा बैटरी भी डेड हो गया है। आई एम grateful for you to your kindness, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ग्रेटफुल के साथ आपका प्रीपोजिशन टू आता है और टू के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो फोर आता है, ठीक है, तो आपको टू लिखना होगा फोर के स्थान पे, और यहाँ पर जो टू है उसके स्थान पर आपको फोर लिखना होगा, तो इस चीज़ को आप माइंड रख लीजिएगा, यहीं इस पर प्रॉब्लम है, और आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, थोड़ा सा मेरी बैटरी की जो है मोबाइल की बैटरी कम है।